फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर नेक्स्ट पार्ट। एज यू नो वेरी वेल आवर चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप गोइंग ऑन। टुडे वी विल डिस्कस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या केस स्टडी ऑफ जर्मनी। उसको डिस्कस करने से पहले बेटा एक बार चैप्टर को कोरिलेट करते हैं। जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म स्टार्ट होता है फ्रांस से। उसके ऊपर जो यूरोप है उसके ऊपर फ्रांस का इफेक्ट जाता है कि फ्रांस क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, मोनार्क के खिलाफ आवाज़ उठाई और फ्री हो गया है, उसका इफेक्ट जाता है। तो वो क्या है, वहाँ के लोग भी किसके लिए, फ्री होने के लिए अपने एफर्ट्स शुरू कर देते हैं। इस बीच में ही क्या है, हम नेपोलियन की केस स्टडी पढ़ते हैं, नेपोलियन आते हैं। लेकिन क्या है, कुछ टाइम बाद क्या है, कंजर्वेटिव नेपोलियन को उखाड़ फेंकते हैं और क्या कर देते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद आता है बेटा रिवॉल्यूशनरीज के टाइम पीरियड। रिवॉल्यूशनरीज वो थे जो अपने नेशनलिज्म, अपने कंट्री में नेशनलिज्म लाने के लिए वर्क कर रहे थे। वो अपने कंट्री को यूनिफाई करना चाहते थे, एक करना चाहते थे। तो उसी के लिए वो क्या थे, वो कंजर्वेटिव के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो इस तरह रिवॉल्यूशनरी फेज पड़ा हमने। उसके बाद आती है एक न्यू मिडिल क्लास। वो कौन से थे, लिबरल्स थे, एजुकेटेड पीपल्स थे। वो क्या है, वो भी उनका भी सेम पर्पज था रिवॉल्यूशनरीज वाला, वो अरिस्टोक्रेट्स को उखाड़ना फेंकना चाहते हैं। वो क्या है, वो कंजर्वेटिव अरिस्टोक्रेट्स मोनार्क्स इन सबसे फ्रीडम चाहते हैं और वो भी कंट्री को यूनिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आता है बेटा रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म कर रहे थे हम। रोमांटिसिज्म क्या थे, इसके थ्रू आर्टिस्ट क्या हैं, लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अवेयर कर रहे हैं। उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं। उसके लिए क्या, कौन कौन सी फॉर्म्स का सहारा ले रहे हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि वो क्या है, म्यूजिक, पोइट्री, पेंटिंग्स, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। और उसके बाद टाइम पीरियड आता है रिवॉल्ट ऑफ 1848। 1848 का टाइम पीरियड आ जाता है और उसमें क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ 48 की शुरू हो जाती है। उसको वो शुरू हो जाती है। तो उसको किया था बेटा हमने, जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर लिबरल्स। जो रिवॉल्यूशन थी वो क्या थी, पुअर जो लिबरल्स थे ना, उन वो अपने क्या है, वो अपनी अलग से आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ ना ये रिवॉल्यूशन पुअर लिबरल्स के साथ साथ कौन, मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने किसको, रिवॉल्यूशन को, जो 1848 की रिवॉल्यूशन थी उसको क्या किया था, उसको लेड किया था, मतलब उसकी लीडरशिप संभाली थी। और इस तरह क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं और नेशन, जो नेशन है वो क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। अब स्टडी करते हैं हम केस स्टडी ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी था वहाँ कैसे, जो जर्मनी है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जर्मनी पहले कौन सा था, प्रूसिया। जो प्रूसिया था या फिर जर्मनी था वो कैसे एक हुआ, तो उसके लिए क्या है बेटा, जो जर्मनी था ना उसमें क्या करते, जो मिडिल क्लास ग्रुप है, मिडिल क्लास ग्रुप ना एक साथ होकर, मिडिल क्लास ग्रुप में मैंने आपको बताया था बेटा कौन कौन थे, ट्रेडर, मर्चेंट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो मीन्स क्या है, बिलोंग तो किससे, लो क्लास से करते थे। लेकिन क्या है, अब वो पढ़ लिख चुके थे, अपने राइट्स के प्रति अवेयर हो चुके थे। वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो जो किंग के खिलाफ ना प्लानिंग करते हैं। और कहाँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, पर्सिया में थी ये बेटा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुँच जाते हैं इकट्ठे होकर। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कहाँ, फ्रैंकफर्ट एक जगह थी बेटा प्रूसिया में, उसमें पार्लियामेंट, जो सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में की गई थी, वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ क्या है, वहाँ जाकर क्या करते हैं, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और वोटिंग होती है, वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये क्या है, जो जर्मन सभी के, किसके लिए वोट करते हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म करने के लिए वोट करते हैं। कौन, मिडिल क्लास ग्रुप। इसमें क्या थे, ये सभी नेशनल असेंबली को बनाने के लिए सभी एक साथ वोट करते हैं। इसमें 831 मेंबर्स थे बेटा, जो ये थी नेशनल, ये थी जो मिडिल क्लास ग्रुप, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो इन्होंने मीटिंग की थी उसमें 831 मेंबर्स थे जिन्होंने क्या था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी बेटा, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए रूल और रूल की नीड होती है, रूल और लॉ की नीड होती है। तो वो रूल और लॉ कहाँ, किस में, वो कहाँ,
कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का रूल चलाया जाता है। तो उसमें क्या है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं 831 मेंबर्स मिलकर, और सभी वोट करते हैं कि हमें नेशनल असेंबली फॉर्म करनी है, जर्मन नेशनल असेंबली। तो ये जर्मन तो हम वैसे कर रहे बेटा, कौन सा था पहले, ये प्रूसिया। तो प्रूसिया नेशनल असेंबली फॉर्म करना चाहते हैं। तो वहाँ का एक किंग होता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये परुसिया का किंग होता है बेटा। किंग क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था ना, इसको रिजेक्ट कर देता है और वो उसको मानने से मना कर देता है। और ये क्या है, ये मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो किंग ने ना ये नेशनल असेंबली फॉर्म करने का और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उसको रिजेक्ट किया था, उसको क्या है, उसको जो दूसरे मोनार्क हैं और जो एरिस्टोक्रेट्स है ना, वो बेटा उसको किंग को सपोर्ट करते हैं। और कौन क्या है, पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बनाना चाहता था मिडिल क्लास ग्रुप, वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये एक छोटी सी रिवॉल्यूशन टाइप थी। इसमें क्या था, जो मिडिल क्लास ग्रुप था उन्होंने एक क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, नेशनल असेंबली फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन क्या है, नेशनल असेंबली को ये विलियम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ क्या है, रिजेक्ट कर देते हैं और पार्लियामेंट फेल हो जाती है। तो ये एक छोटी सी रिवॉल्यूशन टाइप थी, रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। उसके बाद बात करते हैं हम इस रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जो ये छोटी सी इंसिडेंट हुई, इस टाइम पे वुमेंस की पोजीशन क्या थी। तो अगर हम वुमेंस की पोजीशन की बात करते हैं, तो बेटा अगर इस पूरे टाइम पीरियड में वुमेंस ने मेंस के बराबर काम किया, लोगों में नेशनल फीलिंग अवेयर करना थ्रू पिक्चर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स लिखना, या फिर किसी भी वे में थे, वुमेंस ने अपना पार्टिसिपेशन 100% दिया था। लेकिन जब क्या है, अगर इनकी पोजीशन की बात करते हैं, तो इनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि क्या है, जब पहले क्या था बेटा, इस पार्लियामेंट, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें क्या, 25+ मेल्स, जो 25+ मेल्स थे उनको वोटिंग राइट थे। लेकिन जब क्या है, वुमेंस के वोटिंग राइट्स की बात की गई, तो इसको क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं माना गया। ये बेसिक से इस पूरे टाइम पीरियड में इन्होंने बराबर वर्क किया, लेकिन क्या है, वुमेंस की कंडीशन मेंस के बराबर नहीं थी, उनको क्या है, वोटिंग राइट नहीं मिल पाया था। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट आता है मोनार्क्स। अगर हम मोनार्क की बात करें, तो बेटा जो मोनार्क थे ना, स्टार्ट ग्रांटिंग कंसेशन, इसका मीनिंग क्या है, ये सब पूरी इंसिडेंट हो चुकी है, जो किंग है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है, पार्लियामेंट फेल हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता है, ना ही नेशनल असेंबली मिल पाती है। लेकिन किंग को ना कहीं बेटा वो क्या है, देखो किंग को पता था इतना बड़ा, जो इतने सारे मेंबर्स ने मिलके उसके खिलाफ क्या है, एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था, तो बेशक से वो चीज़ फेल हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, जो किंग था वो इस चीज़ से क्या था, इस चीज़ से, उस चीज़ का उस किंग के ऊपर इफेक्ट गया था। वो क्या है, वो उस चीज़ से थोड़ा सा डरने लग गया था कि ये इंसिडेंट दोबारा इन फ्यूचर हो सकती है। तो उसलिए क्या है, उसने क्या है, स्टार्ट ग्रांटिंग कंसेशन, उसने ना कुछ छूटे देनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल क्या है, उसको लोगों को सपोर्ट करना, या फिर क्या है, दूसरे जो हार्ड लॉ थे उनको लीनियंट करना, इस तरह के उसने कुछ क्या है, कंसेशन देने स्टार्ट कर दिए, छूट देनी शुरू कर दी। उसके साथ साथ सफ़डम और बाउंडेड लेबर अबोलिस्ट, किंग ने ही पहले क्या था, जो मोनार्क थे वही किस चीज़ को, किसको, बाउंडेड लेबर और सफ़डम को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्या था, मोनार्क ने ही क्या किया, राजा ने ही क्या किया, सफ़डम को ख़त्म कर दिया। सफ़डम होता है बेटा दास प्रथा, दास मीन्स किसी भी इंसान को अपने अंडर दास बना के रखना, और बाउंडेड लेबर मीन्स क्या है, लेबरेज, जो वेजेज थी वो बहुत कम थी और लेबर था वो बाउंड कर रखा था। तो वो सब चीज़ें क्या थी, किंग ने ही क्या कर दिया, उस चीज़ को रिमूव कर दिया, अबोलिश कर दिया। तो यहाँ तक ये कंडीशन क्लियर है बेटा। अब आती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या राइज ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी था वो क्या था, प्रूसिया, प्रूसिया का ही एक पार्ट, प्रूसिया ही आगे चलकर क्या बनेगा, जर्मन बनेगा। अब तक ये क्या है, जर्मनी नहीं है, प्रूसिया है जो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है बेटा, इस प्रूसिया में भी क्या था, प्रूसिया के छोटे छोटे पार्ट्स आसपास के दूसरे जो कंट्रीज थे उन्होंने अपने अंडर ले रखे थे। अब बात आती, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, क्या आर्मी है वो किसी भी नेशन को बना सकती है। तो हाँ बेटा, अगर हम जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करें, तो जो आर्मी है, इन्हें जर्मन को यूनिफाई करने के लिए
बहुत बड़ी हेल्प की थी इसने, जो जर्मन ने था उसमें नेशनल फीलिंग को अवेयर करने में, या आसपास की जो टेरिटरी जो प्रूसिया के आसपास के एरियाज थे जिन पे ऊपर दूसरे एरियाज ने कंट्रोल कर रखा था, उनको छुड़वाने में और एक करने में आर्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसमें टू और पीपल था, जर्मन यूनिफिकेशन को पढ़ने से पहले ना बेटा इसमें टू पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं हम, टू पर्सनैलिटीज़ हैं ये आगे चलकर हमें इस चैप्टर में रीड करने वाले। एक तो ओटो विन बिस्मार्क, ये ओटो विन बिस्मार्क थे, ये प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे। और एक केसर विलियम फर्स्ट थे, ये क्या थे, ये भी क्या थे, ये थे वहाँ यहाँ के मोनार्क, किंग था बेटा ये, कहाँ का, प्रूसिया का। केसर विलियम फर्स्ट मोनार्क प्रूसिया का किंग था और ये क्या था, चीफ मिनिस्टर था। ये दोनों आगे चलकर जर्मन यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, केसर विलियम फर्स्ट एंड ओटो विन बिस्मार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव जर्मन एंड इटली। तो अब तक की जो कंडीशन है बेटा वो अलग थी, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट थी, नेशनल फीलिंग्स थी या नेशन को एक करने वाली फीलिंग्स थी वो क्या थी, अब तक कौन आवाज़ उठा रहा था, अब तक आवाज़ उठा रहे थे बेटा लिबरल्स, रिवोल्यूशनरीज, मिडिल क्लास या पुअर पीपल्स, वो उठा रहे थे। लेकिन अब क्या है, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की जो फीलिंग्स थी ना बेटा, वो उसको कौन उठाने लग गया था, कंजर्वेटिव, कौन, कंजर्वेटिव। देखो हमने बेटा जब ये चैप्टर किया तो ये कंजर्वेटिव्स को हमने ही पढ़ा था कि कंजर्वेटिव ये वो थे जो क्या थे, मोनार्क सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, और किसको, जो फ्रांस की जो कंडीशंस थी जिसमें क्या था डेमोक्रेटिक रूल्स चल रहे थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। अब देखो कंडीशन इतनी अपोज हो चुकी है कि अब क्या है, ये कंजर्वेटिव ही क्या ला रहे हैं, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ला रहे हैं, यही क्या है, नेशन को एक करना चाहते हैं, यही क्या है, इसको प्रूसिया को और इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं। तो उसमें कौन कौन पीपल्स थे, उनमें थे ये थे ओटो विन बिस्मार्क और किंग विलियम फर्स्ट, ये ऐसे थे जो क्या थे, कंजर्वेटिव क्लास से बिलोंग करते थे और क्या था, जर्मन इसको प्रूसिया को यूनिफाई करना चाहते थे। उसके लिए हम जर्मनी और इटली, ये दोनों ही कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिला है कि कंजर्वेटिव्स ने आवाज़ उठाई हो कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा कंट्री है उसको यूनिफाई किया जाए, जो ये बटा हुआ है उसको क्या है, एक किया जाए। तो उसके लिए दोनों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कंजर्वेटिव ने आवाज़ उठाई थी। अब तक कौन उठा रहा था, अब तक उठा रहे थे बेटा पुअर पीपल, मिडिल क्लास, लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज, ये आवाज़ उठा रहे थे। ये सब किससे बिलोंग करते थे, ये लोअर क्लास से, थर्ड सेक्शन से बिलोंग करते थे। अब कंजर्वेटिव हाई क्लास फर्स्ट स्टेट वाले पीपल्स आवाज़ उठाने लग गए थे। तो इट मीन्स अब चेंज आना डेफिनेट था, अब चेंजेज होने फिक्स थे। फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन 48, उसके लिए क्या था, जो रिवॉल्यूशन थी 1848 में वो फेल हो चुकी थी, और वो फेल होने के बाद ही क्या है, जो ये कंजर्वेटिव थे ये चाहने लग गए थे कि जो प्रूसिया है उसको यूनिफाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा ये समझ गए थे कि अब तो बेशक सी 1848 की रिवॉल्यूशन फेल हो चुकी है, हम क्या है इसके ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था ना 831 मेंबर्स ने, ऐसी ही कंडीशन आगे भी आ सकती है और बार बार कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। फ्रॉम देन प्रूसिया टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशन यूनिफाई, उसके लिए क्या था बेटा, प्रूसिया है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम इसको यूनिफाई किया जाना चाहिए, किसको, पूरे इसको प्रूसिया को यूनिफाई किया जाना चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए। इसके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट हैं, अगर हम बात करें ना बेटा इसकी इटली की, तो इटली की बात करें तो ये क्या है, इस तरह से थ्री पार्ट्स में डिवाइड था, इसकी छोटे छोटे इस तरह की शेप थी इसकी, जो ये इटली है पार्ट है, तो ये क्या था, वन टू और थ्री, ये थ्री और ये स्मॉल स्मॉल इसकी टेरिटरी, इस टाइप से ये क्या है फोर फाइव पार्ट में डिवाइड था, अलग अलग जगह रूल था, अलग अलग मोनार्क रूल कर रहे थे। तो इस तरह क्या है, अब क्या है प्रूसिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए। और उस प्रूसिया चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, जो चीफ मिनिस्टर था बेटा ओटो वन बिस्मार्क, मैंने बताया था बेटा जो ये ओटो वन बिस्मार्क था ये क्या था, चीफ मिनिस्टर था कहाँ का, इसका, पर्सिया का।
तो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ हम प्रशिया को यूनिफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये आर्मीज की हेल्प लेता है। देखो हमने अभी एक किया था कि क्या आर्मीज उसको किसी भी कंट्री को यूनिफाई करने में हेल्प कर सकती है, तो ये इसने किया बेटा, जो ओटोवन बिस्मार्क था इसने आर्मीज की हेल्प ली। और आर्मीज की हेल्प लेके जो आसपास की जो उनके एरियाज थे ना प्रशिया के, जो आसपास के जिस पर किसने ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस इन्होंने क्या है कंट्रोल कर रखा था प्रशिया के छोटे छोटे पार्ट्स पर, तो इसने आर्मी की हेल्प से क्या किया उन एरियाज को छुड़वाया और वहाँ पर क्या है वहाँ पर नेशनल यूनिफाई किया, जो यूनिफाई किया। उसके लिए जो ओटोमन बिस्मार्क है इसको कितने 7 ईयर्स लगे, उसमें क्या है 3 बिग वॉर्स हुई, किसके साथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 वॉर हुए, कितने ईयर्स तक 7 ईयर तक वॉर होते हैं। और लास्ट में 1871 में क्या है जो जर्मन है वो क्या है इन जेंस 1870 जर्मन यूनिफाइड, और 1871 में जर्मन क्या है यूनिफाई हो जाता है, एक हो जाता है। और जर्मन के यूनिफिकेशन होने के बाद क्या है बेटा, जो वहाँ का किंग था ना केसर विलियम फर्स्ट, उसको क्या है उसको वहाँ का जर्मन का एम्पायर बना देते हैं। अब प्रुसिया क्या बन गया था, जर्मन बन गया था, वहाँ पर क्या है उसको क्या बना देते हैं एम्परर बना देते हैं, मॉडर्न प्रिंसिपल और अडेप्टेड। उसके साथ साथ बेटा जर्मन यूनिफाई हो गया था, उसके साथ साथ नए प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए थे, और किसके ऊपर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया था। न्यू प्रिंसिपल में कौन कौन से थे, करेंसी थी सबसे फर्स्ट, तो करेंसी थी जो जर्मनी था उसकी क्या है पहले क्या थी अलग अलग करेंसी फॉलो की जाती थी, तो अब क्या है पूरी कंट्री की एक करेंसी फॉलो करती कि पूरे कंट्री में एक ही करेंसी चालू रहेगी, और अलग अलग तरह की करेंसीज को सबको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ बैंकिंग, बैंकिंग में भी बहुत सारे सुधार किए गए, जो उनके ऊपर डेब्ट थे जो कर्जा था उनको क्या है सबको चुका दिया गया, और क्या है अब क्या है बैंकिंग में भी सुधार किया गया। उसके साथ साथ जुडाइसरी, जुडाइसरी जो जर्मनी है उसका सिस्टम क्या हो गया था, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह वर्क करने लग गए थे। बेशक से क्या है केसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का किंग बना दिया गया था, लेकिन क्या है जर्मन का एम्परर बेशक से बना दिया गया, लेकिन जो प्रिंसिपल्स थे वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो किए जाने लगे, वो फॉलो किए जाने लगे बेटा डेमोक्रेटिक कंट्री वाले। अब क्या है इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, जुडाइसरी है, ये तीनों जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो लाई गई, और उसी के अकॉर्डिंग लोगों को जस्टिस भी प्रोवाइड किया जाने लग गया। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए ट्रेड में सुधार किए गए, ट्रेडिंग कंडीशन सुधारी गई, जो अलग अलग जगह पे क्या है एरिया में ट्रेड करने के लिए टैक्सेज वगैरह लगाए जाते थे, वो टैक्सेज क्या है वो सब मिलाकर क्या है एक मेन टैक्स रख दिया गया। और अपने ही जो अपनी ही कंट्री में ट्रेड करने के लिए लोगों को टैक्स देना होता था उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह क्या है जो प्रूसिया है बाद में जर्मन बनता है वो क्या हो जाता है यूनिफाई हो जाता है, केसर विलियम फर्स्ट वहाँ का किंग बन जाता है, और वहाँ की कंडीशन इस तरह इम्प्रूव हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली इटली का जो है उसको यूनिफाई कैसे किया गया, उन कंडीशन को हम कल वाले लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप बेटा आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड डाउट है आप मुझसे कॉल करके या कैसे भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करने वाले हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।